नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा आपका स्वागत करता हूं डायडॉक हेल्थ पर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक अजिथ्रोमाइसिन के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे अजिथ्रोमाइसिन कैसे काम करती है, क्या यूज होता है अजिथ्रोमाइसिन का, यानी कि किन बीमारियों के इलाज में इसे काम लिया जाता है। इसके अलावा आप जानेंगे कि अजिथ्रोमाइसिन के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, किन ड्रग्स के साथ, मेडिसिन के साथ इसके रिएक्शन हो सकते हैं। और इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा अजिथ्रोमाइसिन से रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक पूरा देखें। इसके अलावा आप भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों से न्यूनतम दरों पर परामर्श लेने के लिए हमारी वेबसाइट www.diadoc.com पर विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अजिथ्रोमाइसिन का यूज क्या होता है। तो अजिथ्रोमाइसिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो एक वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया पर एक्ट करती है, यानी कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है दोनों पर काम कर सकती है। और अगर बीमारियों की बात करें तो अजिथ्रोमाइसिन का यूज फेफड़ों के इन्फेक्शन यानी कि न्यूमोनाइटिस, चेस्ट इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, इसके अलावा गले और नाक की सूजन यानी फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, स्किन इन्फेक्शन, बाकी टाइफाइड फीवर, इन सभी बीमारियों में अजिथ्रोमाइसिन का यूज़ होता है। इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जैसे कि यूरेथराइटिस, जेनाइटल अल्सर, इन सब में भी अजिथ्रोमाइसिन को यूज़ करा जाता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अजिथ्रोमाइसिन वायरसेस के अगेंस्ट एक्ट नहीं करती है, इसलिए इसका रोल वायरल इन्फेक्शन जैसे कि कॉमन कोल्ड में लिमिटेड रहता है। वायरल इन्फेक्शन की अगर बात करें तो सीवियर वायरल इन्फेक्शन जिसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, उसके अंदर अजिथ्रोमाइसिन को यूज़ करा जा सकता है। इसके अलावा आप ध्यान रखें कि अजिथ्रोमाइसिन का यूज़ आपको हमेशा डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद और प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद ही करना है, बिना डॉक्टरी सलाह के आप इसे कभी ना यूज़ करें। अब नेक्स्ट बात करते हैं अजिथ्रोमाइसिन कैसे काम करती है। तो अजिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स को बिलोंग करती है और ये बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसे ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती है और इसलिए अजिथ्रोमाइसिन एक बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अजिथ्रोमाइसिन की डोज क्या होती है और इसके कोर्स का ड्यूरेशन कितना होता है। अगर अडल्ट्स की बात करें तो यूजुअली अजिथ्रोमाइसिन को 500 मिलीग्राम के डोजेज में प्रिस्क्राइब करा जाता है, पर कई बीमारियों के अंदर इसे 250 मिलीग्राम या 1 ग्राम की डोजेज में भी प्रिस्क्राइब करा जाता है। और अगर बच्चों की बात करें, चिल्ड्रन में बात करें, तो इसे 10 मिलीग्राम पर केजी की डोजेज में प्रिस्क्राइब करा जाता है। पर जो ये डोसेज है ये डिपेंड करती है पेशेंट की एज पर, पेशेंट को कौन सी बीमारी है उस पर डिपेंड करती है, सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ इस पर डिपेंड करती है, या फिर कोई कोमॉर्बिड कंडीशन यानी कि अगर आपका कोई अंग है, शरीर का कोई ऑर्गन है वो सही से काम नहीं कर रहा है, जैसे कि लिवर इफेक्टेड है आपका, हार्ट इफेक्टेड है या किडनी इफेक्टेड है, इस पर भी जो अजिथ्रोमाइसिन की जो डोसेज है वो डिपेंड करती है। बाकी अगर आपके फर्स्ट डोज ऑफ अजिथ्रोमाइसिन से कोई रिएक्शन हुआ है तब भी आपकी आपके अंदर जो डोज है अजिथ्रोमाइसिन की वो डॉक्टर कम कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि अजिथ्रोमाइसिन की जो कोर्स है उसकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, तो अजिथ्रोमाइसिन की जो टी हाफ लाइफ है वो लंबी होती है, इसलिए इसे दिन में यूजुअली एक बार प्रिस्क्राइब करा जाता है। और डॉक्टर्स ज़्यादातर बीमारियों के अंदर अजिथ्रोमाइसिन को 3 से 10 दिन के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, पर कई बीमारियाँ जैसे कि जेनाइटल अल्सर या यूरेथराइटिस, इसमें अजिथ्रोमाइसिन की सिंगल डोज भी सफिशेंट होती है। बाकी अगर ट्यूबरक्लोसिस में इसका यूज़ करा जाता है तो उन केसेस के अंदर महीनों तक अजिथ्रोमाइसिन को प्रिस्क्राइब करा जाता है। तो अजिथ्रोमाइसिन के कोर्स का ड्यूरेशन यहाँ भी डिपेंड करेगा बीमारी आपकी कौन सी और कितनी सीवियर बीमारी है, इस पर डिपेंड करता है। पर इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी कोर्स डॉक्टर ने आपको बताया है वो कोर्स आपको पूरा करना है, क्योंकि अगर आप अजिथ्रोमाइसिन के कोर्स को बीच में छोड़ देते हैं तो आपके शरीर में बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा और हो सकता है कि आपको जो अजिथ्रोमाइसिन का कोर्स है वो लंबे समय तक फिर लेना पड़े। इसलिए हमेशा जो डॉक्टर का बताया हुआ कोर्स है उसे हमेशा पूरा करें। अब नेक्स्ट बात करते हैं अजिथ्रोमाइसिन किस फॉर्म में पेशेंट को प्रिस्क्राइब करी जाती है। तो यूजुअली अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट की फॉर्म में पेशेंट को प्रिस्क्राइब करी जाती है, पर अगर पेशेंट सीरियस है और पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है
तो इन केसेस में अजिथ्रोमाइसिन को इंट्रावेनस रूट यानी कि आपकी जो खून की नसें हैं इसके थ्रू पेशेंट में प्रिस्क्राइब करी जाती है। इसके अलावा रेयरली कई पेशेंट्स में अजिथ्रोमाइसिन को लिक्विड सस्पेंशन की फॉर्म में भी प्रिस्क्राइब करा जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ओरल फॉर्म में अजिथ्रोमाइसिन को आपको कैसे लेना है। तो अजिथ्रोमाइसिन की ओरल टैबलेट को आप दिन के एक ही समय पर लें, जैसे कि अगर आपने अजिथ्रोमाइसिन की जो पहली डोज है वो सुबह 8 बजे ली है, तो आपको सब्सिक्वेंटली जो नेक्स्ट डोजेज हैं आपको सुबह 8 बजे ही लेनी है, इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी आप अजिथ्रोमाइसिन की टैबलेट को या इसके लिक्विड सस्पेंशन को खाने के साथ या खाने के बाद कैसे भी ले सकते हैं। बाकी आपको ध्यान ये रखना है कि जो इनडाइजेशन के लिए एंटासिड्स यूज़ करे जाते हैं उनके साथ अजिथ्रोमाइसिन को नहीं लेना है, क्योंकि एंटासिड्स अजिथ्रोमाइसिन का जो एब्जॉर्प्शन है उसे कम कर देते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप जो अजिथ्रोमाइसिन की टैबलेट है इसे हमेशा एक पूरे ग्लास जो पानी का है उसके साथ लें, जिससे कि जो ये टैबलेट है आपकी भोजन की नली में ना फंसे, इसोफेगस में ना फंसे, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आप अजिथ्रोमाइसिन की किसी डोज को मिस कर गए हैं तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि आप अजिथ्रोमाइसिन की डोज है उसे कभी मिस ना करें, क्योंकि अगर आप इसकी डोज को मिस करेंगे तो इसका जो इफ़ेक्ट है अजिथ्रोमाइसिन का इफ़ेक्ट है ये आपके शरीर में कम हो जाएगा। पर फिर भी बाय चांस अगर आप इसकी डोज को मिस कर गए हैं तो जब भी आपको इसकी याद आए, आपको डोज लेने की याद आए, तो आप तुरंत उसी समय पर इसकी टैबलेट को पानी के साथ ले लें। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अजिथ्रोमाइसिन के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो अजिथ्रोमाइसिन यूजुअली एक सेफ ड्रग है, पर फिर भी अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है डायरिया यानी कि दस्त लगना, भूख कम लगना, इसके अलावा नौजिया यानी कि जी मिचलाना, लॉस ऑफ टेस्ट, इसके अलावा पेशेंट को सरदर्द भी इससे हो सकता है। और अगर सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो पेशेंट को चेस्ट पेन हो सकता है, पेशेंट की जो धड़कन है वो इरेगुलर हो सकती है जिसे एरिदमिया कहते हैं, और इसके अलावा पेशेंट के कान में घंटी बज सकती है जिसे टिनाइटस कहते हैं, बाकी पेशेंट के लीवर में सूजन आ सकती है, इसके अलावा पेशेंट में वर्टिगो डेवलप हो सकता है यानी कि चक्कर आना, बाकी पेशेंट में सीवियर पेन एब्डोमेन हो सकता है, पेट में ज़्यादा दर्द हो सकता है, पेशेंट को दस्त के साथ खून भी आ सकते हैं, और कई केसेस में पेशेंट को इसकी डोज से सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि हमेशा डॉक्टर से सलाह लेने के बाद, कंसल्टेशन करने के बाद ही आपको अजिथ्रोमाइसिन को स्टार्ट करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अजिथ्रोमाइसिन किन दवाइयों के साथ, मेडिसिंस के साथ रिएक्ट कर सकती है और आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो अजिथ्रोमाइसिन इनडाइजेशन में यूज़ होने वाली दवाई एंटासिड्स के साथ रिएक्ट कर सकती है, माइग्रेन में यूज़ होने वाली दवाई अर्गोटामिन या डाइहाइड्रो अर्गोटामिन, हर्ट डिजीज़ के अंदर यूज़ होने वाली दवाई डिजॉक्सिन, खून पतला करने वाली दवाई वॉरफ्रिन, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई स्टैटिन्स, एचआईवी की दवाई नेलफेनावीर, और इसके अलावा एंटीबायोटिक रिफाब्यूटीन के साथ रिएक्ट कर सकती है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी दवाई प्रिस्क्राइब करी गई है और आप इन दवाइयों को ले रहे हैं तो अजिथ्रोमाइसिन को स्टार्ट करने से पहले आप इन दवाइयों के बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। अब नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको अजिथ्रोमाइसिन से रिलेटेड कुछ कॉमन सवालों के जवाब दूंगा। तो सबसे कॉमन जो क्वेश्चन होता है मरीजों का वो ये होता है कि मुझे आराम कितने समय में मिलेगा। तो अजिथ्रोमाइसिन स्टार्ट करने के बाद मरीज को कुछ ही दिनों में आराम आना स्टार्ट हो जाता है, पर आपको ध्यान ये रखना है कि अजिथ्रोमाइसिन का जो कोर्स है वो आप ज़रूर पूरा करें, इसे बीच में ना छोड़ें। अब नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन जो मरीज़ का होता है वो ये होता है कि क्या मैं इस दवाई को रात में ले सकता हूँ। तो आप अजिथ्रोमाइसिन को दिन के किसी भी समय पर ले सकते हैं, पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप दिन के एक ही समय पर इस दवाई को लें। जैसे अगर आपने पहली डोज सुबह 8 बजे ले ली है तो आप बाकी जो सब्सिक्वेंट डोजेज हैं उसे भी आपको 8 बजे ही लेना है। नेक्स्ट जो कॉमन क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि अजिथ्रोमाइसिन लेने के बाद भी मुझे आराम नहीं मिल रहा है तो मुझे क्या करना है। तो अगर आपको अजिथ्रोमाइसिन की 3 डोजेज लेने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से रीकंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट जो सवाल होता है वो ये होता है कि क्या प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में और बच्चों में अजिथ्रोमाइसिन सेफ है। तो अजिथ्रोमाइसिन प्रेगनेंसी क्लास बी की ड्रग है और ये प्रेगनेंसी में सेफ है, लैक्टेशन में सेफ है और बच्चों में भी इसका यूज़ सेफ है।
अगला कॉमन सवाल जो है वो मरीजों का ये होता है कि क्या अल्कोहल के साथ अजिथ्रोमाइसिन सेफ है। तो अजिथ्रोमाइसिन का अल्कोहल के साथ कोई डायरेक्ट इंट्रैक्शन नहीं होता है, पर फिर भी आप ध्यान रखें कि जब भी आपका अजिथ्रोमाइसिन का कोर्स चल रहा है आप अल्कोहल लेने को अवॉइड करें। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक के बारे में। बाकी आप भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से न्यूनतम दरों पर परामर्श लेने के लिए हमारी वेबसाइट www.diadoc.com को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल डायडॉक हेल्थ जरूर सब्सक्राइब करिए। बाकी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।